नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं बता रही हूँ आपको 30 साइज के लिए ब्रा की कटिंग और सिलाई का बहुत एकदम सिंपल मेथड, इजी मेथड। आप इसे अपने घर पे इजीली से बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले पैटर्न कटिंग करते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि जो लड़कियां हैं, जो सीख रही हैं, जो नई है, जो बिगनर्स हैं, तो उनके लिए मैं आज ब्रा की एकदम छोटे साइज़ की कटिंग और आपको सिलाई बता रही हूँ। क्योंकि जो छोटे हैं, जो नए हैं, उनको जो बड़े साइज़ की बताते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, और वो छोटे साइज़ की होगी, अपने साइज़ की होती है तो वो उसका कुछ बनाना भी कोशिश करती है। तो ये आप देख रहे हो, ये है सफ़ेद चार्ट और इस पर मैंने लिखा है 7.5 इंच, 7.5, 7.5, यानी टोटल 7.5 स्क्वायर 7.5 का है। और फिर इसको आप इस तरह से मेजर करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको इसको चेक करके बताती हूँ कि ये देखिए 7.5 कैसे है। इस तरफ से ये 7.5 इंच है और इस तरफ से भी ये जो है वो 7.5 इंच है। तो 7.5 स्क्वायर 7.5 का पहले इस तरह से एक कागज़ ले लें। कागज़ लेने के बाद हमें इसको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में ऐसे फोल्ड करना है। ये है ट्रायंगुलर शेप, इस तरह से। एक इजी तरीका बता रही हूँ, इससे आप पहले ये छोटा साइज है बना करके देखिए कि आपको कैसे लगता है, आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। एकदम सरल तरीके से भी मैं बताने की आपको कोशिश करूँगी और एकदम साफ सुथरा बताऊँगी ताकि समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि 30 साइज के लिए बना रहे हैं तो इसका 10वां भाग कितना होता है, 30 का 10वां भाग होता है 3 इंच। 30 के नीचे आप 10 लगाओ या 30 को 10 से भाग देती है तो 3 इंच आता है। तो ये देखिए, मैंने 3 इंच में एक पॉइंट लगा दिया है। इस पॉइंट को आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पॉइंट को आपको जैसे ये सीधा जाता है ना, उस तरह से ऊपर इसको सीधा जाने दें। देखो, ये पॉइंट सीधा लगा लिया है। ये पॉइंट लगाने के बाद क्या करना है, देखो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम इसको कट करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे एक चोंच सा आ जाता है, वो किसी भी ब्रा में नहीं आता है और नहीं आना चाहिए। तो उसका सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं कि यहाँ से हम 1 इंच नीचे से लगभग चलेंगे और इस तरह से इसको मोड़ देंगे। इस सिलाई को हमें इस तरह से ले जाना है ऊपर तक, इससे आपकी ब्रा का लुक भी सुंदर आएगा और आपका जो ये चोंच वाला सिस्टम है, ये प्रॉब्लम है, ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ये टेक्निक सही हो गई, ओके हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब चलते हैं हम इस तरफ नेकलाइन की तरफ, और ये जो साइड होगी इस तरफ, जो कि हमारी जो साइड की गोलाई होती है बगल के साइड में, वो वाली। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेक की करेंगे। नेक की बात, नेक के लिए देखें, यहाँ पर सिर्फ हमें 3 ही इंच तैयार चाहिए। 3 इंच तैयार चाहिए तो हम 3.5 इंच पे एक पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि आधा इंच सिलाई के लिए होता है। उसके बाद में आपको इस तरह से, जैसे मुझे इसको छोटी ब्रा है साइज़ की, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच के लिए पॉइंट लगा देती हूँ। यहाँ पे 1.5 इंच इस तरह से, सीधी भी लगा सकते हैं आप, ये सीधी लाइन पॉइंट हो गया। ये कितना हुआ, 1.5 इंच का। अब यहाँ से लेकर के सबसे पहले आपको अपनी ब्लाउज, ये जो ब्रा का जो लेंथ जांच करना है कि आपको ब्रा की जो लंबाई है वो कितनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इस साइज़ के लिए सिर्फ 6 इंच ही ब्रा की लंबाई चाहिए, तो 6 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सारी जो फोल्डिंग है वगैरह वगैरह, तो सबके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.5 इंच एक्स्ट्रा, या आप इससे थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपकी, क्योंकि सिलाई मोड़ने की ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया है इसका सेंटर पॉइंट, ये वाला, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक अब हमें नेक की ड्रॉ करनी है। उसके लिए आपको इस तरह से गोलाई लगानी होगी नेक के लिए। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो होती है ना, ये ब्रा के यहाँ पर गोलाई आ गई है नेक की। आगे की जो साइड होती है फ्रंट, जहाँ पे आप हुक भी लगा सकते हो, जहाँ पे आप इसको बंद भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा नेक साइड, बन गया है, रेडी हो गया है। अब हम इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं, या फिर क्या करना है, थोड़ा सा इसको कट करके निकाल दें ताकि दिखने में, जब जो दिखाई देता वही समझ में आता है ना, दिखने में सही होगा तो अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इसको मैंने कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ से ये एक पॉइंट निकाल देते हैं, और सिलाई का ये वाला, और ये वाला है सिलाई का,
उसके बाद जैसे 3.5 इंच इस तरफ लिए थे वैसे ही 3.5 इंच इस तरफ रख देते हैं। ये इसलिए रखा है क्योंकि 1/2 इंच जो जो हम फोल्डिंग करेंगे उसमें चला जाएगा, बाकी का ये 3 इंच तैयार रहता है, 3 इंच इस साइड की और 3 इंच ही इस साइड की रहेगी। अब देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक चलना है, इसके बीच में आपको यहाँ पे सेंटर इस तरह से करना है। तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो है यहाँ से मान लीजिए जो 6.5 7 या 7 भी मान सकते हैं, चलिए इस तरह से करते हैं। तो ये हो गया 3.5 इंच पे ये वाला पॉइंट, ये इस तरफ लगाया ना मैंने, ये है सेंटर पॉइंट। अब आपको गोलाई देनी है इस तरह से। देखो ये चीज़ बहुत ही अहम होगी आपकी ब्रा के लिए। ये पॉइंट आपने यहाँ पे मिला दिया, अब इस पॉइंट को आपको यहाँ ऊपर में मिला देना है। ये हो गया है जो अपने ऊपर जो डस जाती है, जो डोरी लगाते हैं, बेल्ट होती है, स्ट्रिप होती है, उसके लिए ये पॉइंट होगा। तो ये हो गया है पैटर्न तैयार यहाँ पे 30 साइज के लिए। इसकी सिलाई का वीडियो भी नीचे दिया, बहुत सारे ब्रा के कटिंग स्टिचिंग के मैं आपको नीचे वीडियो दूंगी, उनसे देख करके सिलाई कर सकते हो, या फिर मैं आपको इसी में बता देती हूँ कि इस छोटे साइज के ब्रा के लिए आप किस तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया है, जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको भी हम इस तरह से कट कर देंगे, और फिर इस पैटर्न को रख करके आप अपने लिए ब्रा बना सकते हो। ये है सिर्फ 30 साइज के लिए, बहुत ही छोटे से साइज के लिए। तो ये पैटर्न तैयार हो गया है, मैं कपड़े पे कटिंग कर लेती हूँ। तो देखा दोस्तों, मैंने अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग कटिंग कर लिया है कपड़े पे। अब मैं इसके जो हमारी बैक साइड की जो पट्टी होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितना इंच कटिंग करना है, कैसे कटिंग करना है। तो देखो दोस्तों, बैक पट्टी कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है, ये आप देखिए 8 इंच की एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 3.25 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 8 इंच, ठीक है। अब हमें ये जो बैक पट्टी है इसका एक पार्ट तैयार चाहिए 6.25 इंच का, क्योंकि हमारी जो कमर है वो है 25 30 चेस्ट है और 25 कमर है। तो यहाँ पे आप 8 इंच के इस तरह से कपड़ा लें, या जो भी पट्टी पैटर्न कटिंग करने के लिए कागज़ लें। इसके बाद में देखो, ये होता है यहाँ पे सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंटर पॉइंट। यहाँ पे ये जो साइड है हम ब्रा की तरफ जॉइंट करेंगे, और ये जो साइड है यहाँ पे हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें ये चाहिए सिर्फ 1 ही इंच की, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 1.5 इंच पे पॉइंट लगाते हैं। ये जो साइड है हमें चाहिए 2 इंच की, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे पॉइंट लगा देते हैं। अब आपको इस पॉइंट को देखिए इस तरह से इसमें मिला देना है, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट को इसमें मिलाना है, ठीक है, इसको आपको ऐसे मिलाना है थोड़ा इस तरह से। तो ये आपकी होगी बैक पट्टी, इसकी दो पट्टियाँ कटेगी, दाएं बाएं दोनों साइड में हम कट कर लेंगे। तो इसको हमने सिलाई का एक्स्ट्रा लिया हुआ है, बस इसको कट करना है, और फिर मैं आपको जो हमारा पैटर्न है उसके पास दिखाऊंगी कि कैसे इसको हमें लगाना होता है। तो ये मैंने इसको पट्टी को जो है वो कट कर लिया है, ठीक है। अब ये पट्टी आपकी ब्रा, जैसे ये ब्रा सील गई है, ब्रा सिलने के बाद ये पट्टी आपके यहाँ पे ऐसे स्टिच हो जाएगी, और इसके एक जो स्ट्रिप होती है वो यहाँ पे लगेगी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, एक स्ट्रिप यहाँ पे लगेगी और एक स्ट्रिप यहाँ पे लगेगी, इस तरह से वो डोरी लग करके यहाँ पे आ जाएगी। तो ये ब्रा आपके इस तरह से बन करके रेडी हो जाएगी, एक साइड ये होगी, दूसरी साइड इसके आमने होगी, और जो गला है वो इस तरह से एकदम से प्रॉपर बनेगा। तो ये है हमारी 30 साइज के लिए ब्रा का पैटर्न कटिंग करना, और इसके मैं आपको सिलाई भी दिखा रही हूँ। तो मैंने ये पैटर्न कटिंग कर लिया है, इस पैटर्न की मैं कटिंग कर रही हूँ। ज़रा देखिए दोस्तों, ये हमने इसका पैटर्न भी कटिंग कर लिया है, और इसकी जो एक्स्ट्रा साइड्स है उसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल बराबर में ही चाहिए। तो ये हो गया है, अब आप इसको हटा सकते हैं और इसके दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लें। करना क्या है, जैसे मैं आपको एक बता रही हूँ वैसा ही दूसरा भी जो बैक साइड की पट्टी है वो तैयार करेंगे। तो इसको करना क्या है, देखिए इसको यहाँ से और यहाँ तक ऐसे सिलना है, एक सिलाई लगानी है यहाँ पे, फिर इस
सिलाई में हमें इस तरह मुड़ना है और यहाँ तक इसकी सिलाई लगानी है, फिर इस सिलाई को यहाँ पे लॉक कर देना है, ठीक है, यहाँ तक की सिलाई कर देंगे। तो ये हो गई दोनों पट्टियों की, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की सिलाई। इसके बाद लेंगे हम जो अपनी ब्रा के जो मेन पार्ट्स है उनको। तो सबसे पहले मैंने आपको मार्क करके बताया था ना, पहले फिर से देख लीजिए, ये देखिए ये ऐसे चलते हुए और यहाँ पे हमें अपनी सिलाई को एंड करना है। तो इसी तरह से ये दूसरे वाला जो हमारा पार्ट्स है इस पे भी मैं ऐसे ही सिलाई करूँगी जैसे कि मैं इस पे करी। तो मैं आपको सिलाई करके ये दोनों पार्ट्स तैयार करके फिर दिखाऊंगी। इसके बाद में क्या है, ये सिलाई करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ पहले ही कि ये जो इसकी साइड है ना, इसको भी मुझे ऐसे फोल्ड कर देना है, थोड़ा थोड़ा सिलाई लगा देना है, ऐसे फोल्ड करके नीचे की तरफ यहाँ से लेकर के और ये नेक यहाँ तक मैं इसको फोल्ड भी कर देती हूँ। तो दोस्तों हमारी जो ब्रा का पैटर्न है वो तैयार है दोनों साइड का। तो अभी आप देख सकते हो ये दोनों पैटर्न जो है वो बन करके रेडी हैं और इस तरह से बने हैं, ठीक है। और ये जो पट्टियाँ हैं साइड की वो भी मैंने सील करके इसको ऑन कर लिया है और ये जो हुक आई की पट्टी भी लगा दी है और ये कैसे लगाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब सबसे पहले इनको हमें इसके ऊपर ऐसे रख करके और एक सिलाई करनी है। ये सिलाई करने के बाद नीचे से हम इसको बराबर करेंगे। देखो कैसे करना है, पहले आपको ये भी चेक कर लेना है यहाँ से यहाँ तक बराबर है और यहाँ से ये जो साइड है वो भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसके बाद जो इसके नीचे की साइड होती है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंची टेप रखिए और इस तरह से इसको बराबर ड्रॉ करके जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको निकाल दें, हल्का सा आपको निकाल देना है। तो इसको निकाल करके हम बराबर कर लेते हैं। तो इसको मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद देखिए हमारे ब्रा के जो दोनों पैटर्न हैं वो कुछ इस तरह के हैं। अब यहाँ पे हम इसके नीचे पट्टी लगा देते हैं। तो देखिए ये मैंने पट्टी ली है और इसको मैं यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी फिर नीचे की ओर फोल्ड कर दूंगी। तो देखो मैंने पट्टी लगा करके नीचे की साइड में इसको फोल्ड कर दिया है ऐसे, ठीक है ना। इसकी ये साइड ओपन है और इसकी ये भी साइड ओपन है, यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अंदर से मैंने लिया ये आधा इंच का इलास्टिक और इसको मैं इसके अंदर डालूँगी और यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और लेना कितना इलास्टिक, देखिए ये जितना इसका स्पेस है ये इतना है, तो इससे हम कम लेंगे इतना इतना कम लेकर के और इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। लगभग 2 इंच हमें कम लेना है, बस ये इस तरह से आना चाहिए, थोड़ी सी चुन्नट आ जानी चाहिए। तो इसको अंदर डाल देते हैं इसके इस तरह से। अगर नॉर्मली नहीं डाल सकते हैं तो सुई को इस तरह से लगाइए और फिर इसके अंदर डाल दीजिए इलास्टिक को। तो आप देख सकते हैं मैंने इलास्टिक को डाल दिया है, इस तरफ भी है और ये इस तरफ भी है। यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं और यहाँ पे भी इसको लॉक कर देते हैं। अब इस पट्टी को हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम अंदर ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करके फिर इसके हम यहाँ पे एक साइड में ये पट्टी स्टिच कर देंगे यहाँ पे, और इस तरफ में भी इसको हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। इसको आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, नीचे की साइड में इसको फोल्ड कर दें और ये जो दूसरी साइड की पट्टी है इसको आपको यहाँ पे ऐसे स्टिच कर देना है, बराबर में करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने स्ट्रिप ली है और ये मैंने 13 इंच की तैयार की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, यहाँ से देखिए इस साइज के लिए, और ये 13 इंच की तैयार कर ली है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एक छोर यहाँ पे लगाना है, सिलाई कर देना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सील देना है और दूसरे छोर को हमें यहाँ पे सील देना है। अब ये लीजिए आपकी जो ब्रा है वो तैयार है, ये वन साइड हो गया है। तो इसी तरह से वन साइड कंप्लीट हुआ, तो इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी यही वाले स्ट्रिप एक यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा इसका जो छोर है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे इसके नीचे। बस ये जो आपकी ब्रा है इस तरह से तैयार हो जाएगी।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये ब्रा की कटिंग और सिलाई बताई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।